सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल सानू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जो पेटीएम पेमेंट बैंक का ऐप है, ठीक है, उस पेटीएम पेमेंट बैंक का ऐप के अंदर यूपीआई लाइट बोल के आप लोग को एक न्यू फीचर देखने को मिलता है। और उस यूपीआई लाइट के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दूसरा जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उस बैंक अकाउंट को ऐड करके रखा है। और बहुत सारे लोगों ने चाहते हैं कि उस यूपीआई लाइट के अंदर जो भी बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है उस बैंक अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं। और जब उस बैंक अकाउंट को रिमूव करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर एरर मैसेज आ जाता है, क्योंकि आप लोग स्क्रीन के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन शॉट, तो वहाँ पर बताया जाता है आप लोगों को सबसे पहले उस बैंक अकाउंट को रिमूव करने के लिए आप लोग आपका जो भी यूपीआई लाइट के अंदर वहाँ पर आप लोग को बताया जाता है कि आप लोग उस बैंक अकाउंट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप लोग को उस यूपीआई लाइट के अंदर जो बैंक अकाउंट ऐड करके रखा हो उसको सबसे पहले डिजेबल करना पड़ेगा। तो किस तरीके से आप लोग को उसको डिजेबल करना है एंड उस बैंक अकाउंट को रिमूव करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो भी लाइव प्रूफ के साथ। तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए, वीडियो को कहाँ पर भी स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो को एक सेकंड भी स्किप कर देंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सुपर चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आप आ चुके हैं मैं मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर एंड आप भी सिंपली आपका मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आ जाइए एंड सबसे पहले आप लोग कहना सबसे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक का ऐप है, ठीक है, उस पेटीएम पेमेंट बैंक का ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करके उस ऐप को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले उस ऐप को अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर सिंपली सर्च कीजिए पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम यहाँ पर सर्च कर लीजिए एंड पेटीएम सर्च करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को वो पेटीएम पेमेंट बैंक का ऐप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते ओपन करने के लिए बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर टाइम जितने सारे ऐप होता है मेरा मोबाइल फोन के अंदर वो अपडेट रखता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने उस ऐप का अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन के ऊपर ठीक आप लोगों को अपडेट बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली उस अपडेट वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करके उस ऐप को अपडेट कर लीजिए। तो मैं डिग्री उस ऐप को अपडेट करके रखा हूँ तो इसलिए उसको डिग्री ओपन कर लेता हूँ। आप भी सिंपली उस ऐप को ओपन कर लीजिए एंड पेटीएम पेमेंट बैंक का ऐप को ओपन करने के बाद अभी आपका जो भी सिक्योरिटी कोड या फिर पिन पासवर्ड या फिर पैटर्न जो भी रखा हो वो सबसे पहले डाल दीजिए एंड वो पिन पासवर्ड पैटर्न डाल देने के बाद इस तरीके से आप लोग को नया नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी आप लोग कहना क्या होगा, अभी आप लोग सिंपली यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड के अंदर आप लोग का जो भी प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोग यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ठीक आप लोग लेफ्ट साइड के अंदर जो कि मैं आप लोग को मार्क करके दिखा रहा हूँ, सिंपली थ्री लाइन के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए एंड थ्री लाइन के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है ऊपर की तरफ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला ठीक ऑप्शन, ठीक है, उसके भी फिर से और एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे एक बार क्लिक कर देंगे उसके बाद अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जितना सारे बैंक अकाउंट लिंक करके रखा हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं जो पेटीएम यूपीआई लाइट है उस लाइट वाला फीचर के अंदर स्टेट बैंक का अकाउंट को ऐड करके रखा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं रिमूव अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया एंड उसके बाद जैसे एक बार क्लिक कर देता हूँ तो तब यहाँ पर एक एरर मैसेज आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डीएक्टिवेट यूपीआई लाइट टू रिमूव बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बताना चाह रहा है कि जो भी आप लोगों ने जो भी आप यहाँ पर स्टेट बैंक का अकाउंट ऐड करके रखा हो, ठीक है, उसको यहाँ पर रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आपका जो भी यूपीआई लाइट के अंदर जो बैंक अकाउंट ऐड करके रखा हो उसी सेम अकाउंट को इसको सबसे पहले डिजेबल कीजिए। नीचे की तरफ यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोगों ने देख सकते हैं योर यूपीआई लाइट इज लिंक्ड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते प्लीज़ डिजेबल यूपीआई लाइट टू रिमूव द बैंक अकाउंट, ठीक है। तो उस बैंक अकाउंट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप लोग यूपीआई लाइट वाला जो फीचर है उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अभी नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड ऊपर की तरफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सेटिंग्स वाला ऑप्शन के ठीक नीचे जो कि यहाँ पर एक ऑप्शन अभी आप लोग देखने मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डिजेबल बोल के यहाँ पर देख सकते मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली उस डिजेबल वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर देख सकते डिजेबल यूपीआई लाइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सिंपली एक बार क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर देख सकते हैं डिजेबल यूपीआई लाइट, अभी यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई लाइट डिजेबल सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस आपका जो भी रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। अभी आप बहुत आसान से उस बैंक अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं और फिर से आप चाहते हैं कि बाद में एक्टिवेट करना वो भी यहाँ पर रीएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम नीचे की तरफ आ जाइए एंड रिमूव अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अभी बहुत आसान से आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक करके रखा हो उस यूपीआई लाइट के अंदर वो रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिमूव अकाउंट के ऊपर क्लिक किया एंड अभी यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली मेरा जो बैंक अकाउंट यहाँ पर यूपीआई लाइट वाला ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, ऑप्शन के अंदर ऐड था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत आसान से आप लोगों ने पेटीएम पेमेंट का ऐप के अंदर जो यूपीआई लाइट जो भी बैंक अकाउंट ऐड करके रखते हैं इसको बहुत आसान से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई भी समस्या हो रहा है तो वहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों का जो भी कमेंट है उस कमेंट का रिप्लाई 100% गारंटी देने वाला हूँ। ओके, आई होप आप लोग सबके समझ में आ चुका होगा।
होगा, कोई भी सवाल सुझाव तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और चैनल बने हो जरूर नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा तो इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले मिलता रहेगा। सुपर चैनल आज के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।